जय गुरु जी कैसे वो आप सब आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर कंडली आपके लिए क्या सोच रहे हैं क्या फीलिंग्स है उनकी आपके लिए टूटा हुआ दिल है बेचारे का दिल टूट रहा है वजह अच्छा, आप हो सकते हो आपसे झगड़े जो भी हुए हैं वो बच्चे हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकती है टूटा हुआ दिल बिल्कुल दिल टूटा हुआ है उनका आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ईश्वर से मांग रहे हैं दुआओं मांग रहे हैं कुछ पेलवर्क भी करवा रहे हैं हो सकता है कुछ मंत्र वंत्र जाप कर रहे होंगे ताकि आप उनकी लाइफ में आ सको ओके स्टेबिलिटी देने की इच्छा है बट कहीं ना कहीं वो अभी फेयर में है डर रहे हैं कि क्या आपके पास आऊँ तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे तो यस सैडनेस से निकल रहे हैं बाहर कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की क्योंकि आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ दौड़ भाग के आना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से उनकी लाइफ में टावर की कंडीशन आई है या फिर यूँ कहें कि आपके साथ जो झगड़े हुए इसकी वजह से टावर की कंडीशन आई है लेकिन न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके भी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपका बंदा अभी भी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है आ, बट आपकी तरफ आने वाला है शादी की ऑफर लेके वो आपके साथ स्टार्ट नहीं कर पाया पास्ट में उसने जो गलतियाँ की उसका रिगरेट लेके बैठा है डिवाइन ने उसे एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था उसको मिस करके मतलब अपॉर्चुनिटी को उसने मिस किया इसके वजह से वो थोड़े से रिगरेट में है वो अपने घोड़े तैयार करके बैठा हुआ है लेकिन आ नहीं पा रहा है वजह इसने घोड़े तैयार किए हैं आपकी तरफ आने के लिए लेकिन आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे समझ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँ क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मैं जाता हूँ तो शायद वो एक्सेप्ट ना करे क्योंकि उसने आपके साथ जो बुरे बर्ताव किए उसका खामी आ जाओ उसे शायद भुगतना पड़े शायद आप उसे इग्नोर करो शायद आप उसके साथ वही व्यवहार करो जिस जैसा उसने आपके साथ किया बट न्यूज़ स्टार्ट करने की इच्छा है जल्द ही आपके पास आएंगे न्यूज़ स्टार्ट करने के लिए सोच विचार की एनर्जी है बहुत सोच रहा है ये बंदा और बहुत बर्डन ले रहा है बहुत जितना सोच रहा है उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कंडीशन है ओवर थिंक कर रहा है और ज़्यादा बर्डन में चला जा रहा है इक्वल गिव इवेंट टेक करना चाहता है आपके साथ आपको गिफ्ट देना चाहता है आपके साथ कुछ पेंटिकल्स की भी समस्या रही थी तो उसे भी सही करना चाहता है जो भी हुआ है वो सब ठीक करना चाहता है ये बंदा अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर जिनकी फैमिली इशूज़ हैं वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपके लिए आपको लेकर कहीं चले जाना अगर फैमिली से बात नहीं बन पा रही है तो उनके मन में ये भी थाट्स आ रहे हैं कि क्या करूँ मैं क्या इससे लेकर के कहीं और चला जाऊँ इसके साथ कहीं और दुनिया बसा लूँ ये भी थाट्स उनके मन में आ रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं आपको वाइफ मटेरियल देखते हैं आपको अपने बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और इन्हीं सब बातों की वजह से बंदा बहुत दुखी है क्योंकि उसने दूसरों की बातें मानकर आपको दुख दिया है और इस बात का रिग्रेट तो उसे है क्योंकि वो पास लाइक कनेक्शन फील कर रहा है आपके साथ आपके साथ तो इक्ल टेक चाहता है आपके साथ तो वो प्योरिटी वाला लव चाहता है क्योंकि वो आपसे दूर होकर बहुत जगह उसने मतलब जिसे कहते हैं कई पार्टीज के पास घूमा है कई लोगों के पास गया है लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो खुशियाँ नहीं मिली वो आम, मतलब कहते हैं कि बातें तो लोग सबसे कर लेते हैं बहुत सारे लोगों से कर लेते हैं लेकिन वो खुशी जो दिल को होती है वो नहीं मिली उसे तो अब वो आपको बहुत मिस कर रहा है आपके लिए काफ़ी फील कर रहा है और रातों को नींद नींद नहीं आ रही है इसे एनजाइटी में जा रहा है ये बंदा डिप्रेशन में जा रहा है और उसकी एनर्जी को आप भी पिक कर रहे हो मुझे लगता है कल रात की एनर्जी जो ऐसी थी कल शाम से ही आप यूँ कहें कि कुछ लोगों को दिन से ही होगा कि आप शांत हो गए होगे आपको कुछ मतलब नमनेस फील हो रही होगी आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है शून्य की कंडीशन हो गई थी बहुत लोगों के साथ तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी जो आपने पिक कर ली उनके झगड़े हो रहे हैं कार्मिक्स है काफ़ी झगड़े हो रहे हैं थाट्स के साथ भी झगड़ रहे हैं और कार्मिक्स के साथ भी झगड़े उनके झगड़े हो रहे हैं क्योंकि उसने ना कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत सारे ऑप्शन अपनी लाइफ में रखे थे बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट करना वन नाइट स्टैंड बहुत सारी आदतें इनकी बुरी थी या कुछ लोगों को अभी भी हैं कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी उसी कंडीशन में फंसे हैं खुद को निकाल नहीं पा रहे क्योंकि ये आदत हो चुकी है जब बुरी आदत लगती है ना तो छूटना आसान नहीं होता तो इन सब कंडीशन से वो झगड़ रहे हैं लड़ रहे हैं विचारों के साथ थर्ड था, पार्टी के पा साथ और आपकी यादें उन्हें छोड़ नहीं रही हैं आपकी यादों में इतने बुरी तरह से घिर चुके हैं कि ये बंदा कुछ सोचने समझने की शक्ति खो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ कैसे निकलूँ इन थर्ड पार्टीज से इन कार्मिक से क्योंकि सारे जाल तो खुद ने बिछाए हैं तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ कैसे जाऊँ डी की तरह क्योंकि डी तो मेरी सारी चोरियाँ पकड़ लेती हैं फटाक से और एक सॉन्ग भी मुझे पॉप अप हुआ है पॉपअप नहीं सॉरी मतलब अचानक से ये हुआ है कि याद आई है ये सॉन्ग जैसे ही मैंने बोला तू तो जाने मेरी सारी चोरियाँ तो ये वाली सॉन्ग आप ढूंढ लेना जजमेंट तो जजमेंट ईश्वर का जजमेंट हुआ आपके इस रिश्ते में आपने बहुत आप बहुत रोए हो इस रिश्ते के लिए आप इस रिश्ते से निकल नहीं पाए हो आप लॉयल रहे हो इस व्यक्ति के लिए लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहा आपके लिए कई एक जगह इसने अपने लिए ऑप्शंस रखे और ढूंढे बट आज जजमेंट होने के बाद ये बंदा फुल की एनर्जी में बिना लोगों की परवाह किए आपकी तरफ दौड़ के भाग के आना चाहता है और अब जस्टिस होने वाला है आपकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आ चुका है क्योंकि आपकी लाइफ में आपने इतना रोया है ना कि आपके सिस्टर्स एंजल्स ये देख के आ, मतलब अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अपनी बिटिया रो रही है अपना बच्चा रो रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अब उन्होंने स्टैंड लिया आपके लिए जीरो जीरो मैंने अभी देखा तो आपके लिए लिया है स्टैंड और आपके लिए अब स्टार्ट हो रहा है जजमेंट एंड जस्टिस ठीक है तो अब आप फुल एनर्जी में फ़िलहाल आप डीएम की परवाह नहीं कर रहे हो डीएम 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 पीछे भाग नहीं रहे हो बहुत सारी डिमांड फैमिली जो अभी बैलेंस्ड हैं तो अभी डीएम के पीछे भाग नहीं रही अगर उनके कुछ ऐसे भी कार्मिक के साथ अगर वो देख भी लेते हैं तो उन्हें अब फर्क उतना नहीं पड़ता जितना पहले वो टिगर हो जाती थी तो अभी की कंडीशन ये है कि हमारी डिमांड फैमिलियन बैलेंस हैं और हमारे ईश्वर ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दे दी है कि आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़े कार्मिक्स के चढ़ाने का कार्मिक्स के दुख देने का परेशान करने का क्योंकि आपने आपने ना अपने इमोशंस को बंद कर लिया है आपने अपने इमोशंस को दिखाना छोड़ दिया आपने आ, बेकार के लोगों के लिए ना अपने इमोशंस दिखाने छोड़ दिए और आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको देख रहे हैं आप भयंकर एगोस्टिक हो गए हो पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे हो आप अपने इमोशंस को छुपा लेते हो आराम से और आप ईगो आपके हावी हो रहे उन्हें लगता है ईगो लेकिन आपने ईगो नहीं आप सेल्फ लव कर रहे हो बैलेंस करने की कोशिश में है आपका पार्टनर क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों से बहुत लोगों जीरो सेवन जीरो सेवन जस्ट मैंने देखा तो बहुत लोगों की कंडीशन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है तो ये कनेक्शन तो कहीं जाने वाला नहीं है लेकिन हाँ फिलहाल आप दोनों सेल्फ लव कर रहे हो और अभी न्यू स्टार्ट तो करने की फुल इच्छा है आपके पार्टनर की और आपसे शादी करने के लिए कुछ लोगों से उनकी बातें चल रही हैं कुछ लोगों से सलाह मशूरा चल रहा है आर माइकल उन्हें बता रहे हैं कि तुम चीटर हो हार किन्जल माइकल उन्हें बता रहे हैं तुम चीटर हो तुमने चीटिंग की है तुमने ये किया वो किया वो किया और उन्हें तुम्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है अब ये सी सब चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं और अब उन्हें लग रहा है आपको उन्होंने खो दिया अब खोने का डर है उनके अंदर जो खोने का डर है इस वजह से वो कपले करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और कुछ कर्मा थी कुछ साइकिल थी कुछ कार्मिक्स ऐसे कंडीशंस थे जिसके वजह से ये परेशानियाँ थी तो बहुत जल्दी न्यूज स्टार्ट होने वाला है ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं क्योंकि ईश्वर का की भी प्लानिंग चल रही है और आपके पार्टनर की भी प्लानिंग चल रही है तो न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग अबंडेंस खुशियाँ सब कुछ आएंगे आपके पास और जो भी छुपे हुए शत्रु हैं वो इस तरह से हैंगमैन की तरह लटकने वाले हैं जो छुपे शत्रु हैं वो आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ और कोई ऐसा पर्सन जो आपको खुश कर सके ज़रूरी नहीं है ये जिसके जिसका वेट कर रहे हो आप ज़रूरी नहीं है कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है हो सकता है जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं हो उसे डिवाइन आपकी लाइफ से जजमेंट एंड जस्टिस के थ्रू मतलब वो निकालेंगे आपकी लाइफ से उन्हें और आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एक अच्छा पर्सन या फिर वही पर्सन न्यू एनर्जी में आपके पास आएगा जो भी हो तो अच्छा ही होने वाला है आपके लिए ये डिवाइन का मैसेज है आपको ओके थैंक यू